जो है एक महान परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, और इसी टॉपिक पे हम अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए ऑलवेज सेशन करते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। ये जो इतना बड़ा परिवर्तन है, सदियों के बाद जो अवसर है, ये अवसर हम खो ना जाएं। तो इसकी तैयारी के लिए हम लोग हमेशा मिलके बात करते हैं और एक ग्रुप एनर्जी इसको क्रिएट करती है। और पिछले 1 मई को जो मेडिटेशन हुआ, उसके बाद अर्थ की वाइब्रेशन बहुत डिफरेंट हैं। जो वाइब्रेशन है ये साउंड रियलिटी क्रिएट करती है। जो पूरा ब्रह्मांड है ये छोटे से छोटे पार्टिकल से बना है, एलिमेंट से बना है, जिसको हम तत्व कहते हैं। उन तत्वों से जो रियलिटी क्रिएट होती है, जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, उस रियलिटी को साउंड क्रिएट करती है। एक छोटी सी वीडियो में तो ये स्मॉल वीडियो जस्ट आपको दिखाने के लिए कि जो साउंड है वो किस तरह हमारी रियलिटी को क्रिएट करती है। और अब हम जब परिवर्तन के इस दौर में जा रहे हैं, तो अर्थ की वाइब्रेशन बदल गई है। इसकी वजह से जो न्यू रियलिटी है ये क्रिएट होनी शुरू हो गई, ये फॉर्म होनी शुरू हो गई है। और ये हमारी कॉन्शियसनेस को प्रभावित कर रही है, क्योंकि सेंट्रल सन से जो एनर्जीज आ रही हैं ये इसको प्रभावित कर रही हैं। जब ये प्रभावित करती हैं तो क्या होता है, मैंने पहले बताया था और आज भी दोबारा बताते हैं, कई लोग नए लोगों ने ज्वाइन किया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मांडेला इफेक्ट। नेशनल मांडेला अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। 2010 में एक सेमिनार था, उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट थे। उस अचानक ये क्वेश्चन उठा कि उनकी डेथ कब हुई थी, तो उस ग्रुप के पार्टिसिपेंट में सब ने ये कहा कि उनकी डेथ 1980s में जेल में हुई थी। वेयर ये सेमिनार 2010 में हो रहा था और उनकी डेथ 2013 में हुई थी, और तब तक वो जिंदा थे। इस सेमिनार के समय जिंदा थे, 1990 में वो रिलीज हो गए थे, बाद में प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन 2010 के भी बहुत सारे लोग ये मानते थे कि नेशनल मंडेला की डेथ हो गई है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम मांडेला इफेक्ट पड़ा। मांडेला इफेक्ट क्यों होता है? जब ये जो पहली बात तो कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास जो बहुत सारी मेमोरीज हैं ये फेक हैं, ये मेमोरीज हमारे ऊपर इम्प्लांट की गई हैं, ये हमारी असली मेमोरीज नहीं है। वन फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब टाइम लाइन शिफ्ट होती है, पैरेलल यूनिवर्स में नई रियलिटी क्रिएट हो जाती है। मे बी इन वन रियलिटी ही डाइड इन 1980s, बट जो टाइम लाइन शिफ्ट हो गई और हम जो दूसरी रियलिटी में हैं, उस रियलिटी में वो 2013 तक थे। जो प्रोसेस हैं ये प्रोसेस पास्ट हैं, और इसको हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता कि ऐसे कैसे होगा, क्योंकि हमने पैरेलल यूनिवर्स, पैरेलल रियलिटी और टाइम के बारे में हमारे कॉन्सेप्ट अभी भी बहुत बिगिनर के कॉन्सेप्ट हैं। अगर एक जनरेशन पहले किसी को कहा जाता कि क्लोनिंग पॉसिबल है तो वो रिजेक्ट कर देते, लेकिन जब समय के साथ विकास हुआ तो अब क्लोनिंग पॉसिबल है। जब मैं जर्मनी में 2001 में आया था, स्मार्टफोन नहीं थे, तब इम्पॉसिबल सा लगता था, और आज हम लोग बात कर रहे हैं इतने सारे लोगों से एक साथ टेक्नोलॉजी की थ्रू, जो संभव नहीं था। इसी तरह जो स्पिरिचुअलिटी के जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो अभी बहुत बिगनर में है। 2.2% माइंड के साथ हम पूरी बातों को नहीं ग्रेस्प कर सकते, ग्रेस्प नहीं करते हैं तो हम रिजेक्ट कर देते हैं।
जब हम रिजेक्ट कर देते हैं तो वो संभावना थोड़ी सी डिलेट हो जाती है, लेकिन ये जो मंडला इफेक्ट है ये टाइमलाइन की पॉसिबिलिटीज को बताता है कि टाइमलाइन शिफ्ट होती हैं इन जब ये अर्थ की एनर्जीज बदलती हैं या रियलिटीज चेंज होती हैं या हमारी कॉन्शियसनेस जंप करती है, क्वांटम जंप करती है। जो हमारी ओल्ड मेमोरीज हैं इसमें जो फेक है इसमें बहुत सारा जो मैनिपुलेशन का हिस्सा है, और मैनिपुलेशन के हिस्से में धर्म के हिसाब के आधार पे लोगों की लड़ाई और उसकी पीड़ा और उसकी मेमोरी। ह्यूमन जो माइंड है इसके तीन हिस्से हैं, कॉन्शियस माइंड जो इस समय हम लोग सुन रहे हैं बात कर रहे हैं, सब कॉन्शियस माइंड ये बेसिकली एक कल्चरल या पेरेंटल लीनेज है, मेरे पेरेंट के साथ मैंने जो सीखा उन्होंने उनके पेरेंट से सीखा, और अनकॉन्शियस माइंड दैट इज जेनेटिक माइंड, इस अर्थ पे रहने वाले लोगों का एक कलेक्टिव जेनेटिक माइंड, ये मैनिपुलेटेबल है। इसकी मेमोरीज में कोई बीज अगर हम डाल देते हैं तो वो बीज मैनिपुलेट हो जाता है, या समय के साथ उस बीज का जो फल निकलता है वो उसको उसकी वजह से जो रियलिटीज हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। टाइमलाइन को जो फ्यूचर के ह्यूमन है, मैं ह्यूमन कहता हूँ जो अर्थ के हम लोग अगर इवॉल्व हो जाएंगे तो हम कभी हम फ्यूचर में हो जाएंगे, एक बीज है वो एक वृक्ष बनता है इवॉल्व होने के बाद, ऐसे ही ह्यूमन कॉन्शियसनेस जब इवॉल्व है हो रही है, जो इवॉल्व बीइंग है वो टाइमलाइन को ट्रेवल करके, टाइम ट्रेवल करके उस किसी मोमेंट पे टाइम को चेंज करते हैं ताकि उसके बाद की रियलिटी डिफरेंट हो जाए। अगर इसको हम आज के एग्जाम्पल से समझें, जिस तरह ट्रांसह्यूमनिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा होगा नहीं लेकिन अगर ऐसा हुआ किसी एक मोमेंट फ्यूचर के एक टाइम में, तो दो परिस्थितियां बन जाएंगी, एक ह्यूमन जो ट्रांसह्यूमन है, और दूसरी अगर हम इसको रोक पाए तो दूसरी पॉसिबिलिटी है ह्यूमन जो अपने कंप्लीट जिसका पोटेंशियल अनफोल्ड हो रहा है। अगर कोई टाइम में ट्रेवल कर पाएगा तो वो टाइम ट्रेवल करके देख सकता है कि इस पॉइंट पे यहाँ पे एक मैनिपुलेशन किया गया था, जिस मैनिपुलेशन की वजह से या तो एक संभावना ऐसी विकसित हुई या दूसरी संभावना विकसित हुई, इन दोनों में से जो भी संभावना विकसित हुई वो उस टाइम के उस मोमेंट पे हुई थी, दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ टाइम। और इस टाइम के मैनिपुलेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फोर्सेस इस समय एक्टिव हैं, जिसको हम डार्क फोर्स कहते हैं वो भी पावरफुल है, वो भी फ्यूचर, वो भी इवॉल्व है और वो टाइम ट्रेवल कर सकती है। ये घटना जो अर्थ पे हो रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजेंडा इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एक स्टेज के बाद वो ग्रो नहीं कर पा रहे डार्क फोर्सेस, उनको उनको ह्यूमन बहुत एक ह्यूमन के अंदर विशेषता है इसके इमोशन, ब्लिस एक्सपीरियंस करने की क्षमता, लव करने की क्षमता अपने परिवार के साथ, ये क्षमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में नहीं है, वो इमोशनलेस। तो वो ह्यूमन के इंस्ट्रूमेंट, ह्यूमन के थ्रू वो इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और इसके लिए वो इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, और वो फ्यूचर में जाके देख चुके हैं कि इसके बियॉन्ड वो जा नहीं पा रहे, तो वो बैक में आए हैं ताकि ह्यूमन को और कर सकें जिससे वो कंप्लीट ट्रांसह्यूमनिज्म को डेवलप कर सकें। सेम वे जो एडवांस हैं वो देखते हैं कि अगर ह्यूमन को ट्रांस ह्यूमन में कन्वर्ट किया तो इसके इतने साइड इतना मुश्किल हो जाएगा, दिव्यता खत्म हो जाएगी, ह्यूमन का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी समय तक टाइम के लूप में फंस जाएगा, तो वो भी इसको करेक्ट करने के लिए इस धरती के इस मौके पे दोनों फोर्सेस लगातार एक्टिव हैं, दोनों के बीच वार चल रही है। अभी वार हम महसूस ना कर पाए, ह्यूमन की एक समस्या है, जब पिछले 3 साल पहले जब घटना होती है, लॉकडाउन होता है, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होते हैं, तब वो एक्टिव होता है। अब दुनिया थोड़ी सी सामान्य लग रही है तो वो अपने रूटीन में, काम धंधे में वापस आ गया है, इसलिए वो इस जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कुछ लोग महसूस कर पा रहे हैं, हमारे जैसे लोग जो ग्रुप में हैं, लेकिन सारी दुनिया के काफ़ी सारे लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं। बट वी आर एट वार राइट नाउ, हम अभी भी वार में हैं। वार सिर्फ महाभारत के वो 18 दिन नहीं थे, वार उसके जो
उसके पहले की जो घटनाएं थी जो वार को क्रिएट कर रही थी, हम उस फेस में हैं और इसका आउटकम आने वाले दिनों में आएगा। तो हम अभी भी चैलेंजिंग फेसेस में हैं क्योंकि फ्यूचर की दोनों फोर्सेस धरती पे लगातार एक्टिव हैं। जो फोर्स नेगेटिव है वो जेनेटिक माइंड को डर से प्रभावित करती है, क्योंकि ताकि ह्यूमन डर से सोचता है, जब वो डर से सोचता है तो वो सर्वाइवल मोड में होता है, उसका हार्ट जो है सिकुड़ जाता है। इस सिकुड़े हुए हार्ट से वो देवता को अनुभव नहीं कर पाता, जबकि हमारा जो मूल स्वभाव है सत चित और आनंद है, एक डरा हुआ माइंड आनंद का अनुभव नहीं करता, उसकी कॉन्शियसनेस इस हद तक सीमित होती है। दैट इज द मैनिपुलेशन ऑफ आवर माइंड। ये माइंड जो है आकाशिक रिकॉर्ड में सेव होती है ह्यूमन की मेमोरीज, ये मेमोरीज रिलीज हो रही हैं इस अर्थ की फ्रीक्वेंसी के साथ। जो न्यू फ्रीक्वेंसी अर्थ पे आ रही है, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, ये नई रियलिटी को क्रिएट कर रही है, नंबर वन भविष्य के लिए, और ये ओल्ड मेमोरीज को जो उसका डार्क हिस्सा है, डरावना हिस्सा है, जिसमें ह्यूमैनिटी ने सफर किया है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, इवन वी डोंट नो कि वो हुआ था कि नहीं हुआ, लेकिन हमारी मेमोरीज हैं, उस मेमोरीज को वो रिप्लेस हो रही है। वहां पे प्रेम की मेमोरी प्रकट हो रही है। ये मेमोरी और हमारी ये एनर्जी हमारे लिए इस रास्ते को खोलेगी। हमारा काम क्या है? हमारा काम सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम जब इस बेल्ट से गुजर रहे हैं, फोटोन बेल्ट से, जिसमें हम अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करेंगे, हमारे थॉट। तो हमारे थॉट जो प्रोसेस हैं, इसका जो डर का हिस्सा है, जो सर्वाइवल मोड का हिस्सा है, उसकी वजह से जो हम रियलिटी क्रिएट करते हैं, उस हिस्से में एक परिवर्तन की जरूरत है। अगर हम डर से रियलिटी क्रिएट करेंगे तो हम सर्वाइवल मोड की सेकेंड टाइम लाइन में जा सकते हैं। और हमारी फ्री विल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी फ्री विल के बिना कोई भी डार्क फोर्स कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। दैट्स वाई वो इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं मीडिया के थ्रू एंड ऑल। आप सब जानते हो कि मीडिया किस तरह काम करता है। मीडिया, मूवीज, जितनी ये मूवीज आजकल बन रही हैं, केरला स्टोरी, इससे पहले कश्मीर फाइल्स एंड सो ऑन, ये मूवीज हमारे माइंड में उस मेमोरीज को लगातार डिस्टर्ब रखती हैं, जिसमें दो धर्मों के बीच में, दो ग्रुपों के बीच में लड़ाई हुई। और यूरोप में पहले यहाँ पे लेडीज़ को जला दिया जिनके अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी, जो सत्य की ओर चलती थी, जिनको चर्च पसंद नहीं करता था। चर्च का बहुत निगेटिव रोल है, सारे धर्मों का रोल है, धर्म मैनिपुलेटेड है, धर्म को पावर ने मैनिपुलेट किया। चर्च में जो लेडीज थी उनको जला दिया गया, तो उसकी वजह से स्पिरिचुअलिटी में जो लोग आते हैं, लेकिन उनकी प्रीवियस मेमोरी का डर उन्हें स्टॉप करता है कि उस समय हमें जला दिया गया था। वो छुप के काम करते हैं या अपने आप को प्रकट नहीं करते, उनके अंदर ये जो डर हैं ये जेनेटिक माइंड में भी सेव हैं और उनकी लीनेज में भी सेव हैं, ये अब रिलीज हो रहे हैं, इसलिए लोग खुल के बात कर रहे हैं और बातों को समझने की चेतना तैयार हो रही है। इस मैनिपुलेशन का एक हिस्सा ह्यूमन के अंदर, गौर हरी जी अक्सर बताते हैं कि अब वो हमारे क्रोमोसोम में थर्ड क्रोमोसोम पे काम कर रहे हैं, वन और टू क्रोमोसोम को उन्होंने मैनिपुलेट किया, जो थर्ड क्रोमोसोम जो mRNA के थ्रू ह्यूमन को दोबारा एक और लेवल पे नीचे लाने की कोशिश है, ये थर्ड क्रोमोसोम पे गौर हरी जी ने बताया कि इसको वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वन और टू का ये मैनिपुलेशन है या नहीं। ह्यूमन के जो बेसिकली जीन था, जिसमें वो जानता था कि मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर एक अनेक में विभक्त हुआ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करने के लिए, मैं वही ईश्वर हूँ, वो मैनिपुलेशन को, उसमें दो मैनिपुलेशन हुए। एक तो पूरी मानव जाति में, पूरी धरती में ईश्वर कहीं एक ऊपर है, हाथ जोड़ के उसकी पूजा कर, वो हमारे दुख को दूर कर पाएगा। और एक सेवियर का आइडिया डाल दिया कि एक कभी अवतार कोई आएगा, जब तक वो अवतार नहीं आएगा तब तक धरती डाउनफॉल होती जाएगी, कलयुग आएगा, और एक कलयुग के बाद प्रलय आएगी और उसके बाद सब कुछ ठीक होगा। ये दो आइडियाज इस असेंशन के प्रोसेस में बहुत बाधा है। पूरी मानव जाति का एक बहुत, सब अधिकांश लोग इस दो
विचार से संक्रमित हैं, इन दोनों विचारों से बाहर निकल के अपनी रियलिटी को अपने हाथ में लेने का स्टेप उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो ग्रेट अवेकनिंग का पार्ट बनना चाहते हैं और फर्स्ट लेवल पे बनना चाहते हैं। बाद के लोग तो शायद देख के जब ब्रिज बन जाएगा, जब फर्स्ट लेवल की अवेकनिंग हो जाएगी तो वो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट लेवल में इस अनुभव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपने ईश्वर के स्वरूप को जानना और आने वाले चैलेंजिंग समय में रियलिटी को अपने हाथ में लेना, और जहाँ पे भी चैलेंजिंग समय हो, परिस्थितियाँ बदलें, सोलर फ्लैश, हम नहीं जानते कि सोलर फ्लैश के आउटकम क्या होंगे। फ्यूचर की रेसेस ने अर्थ के लोगों को ये इवेंट दिखाया और वो इवेंट इतना डेंजरस था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पोल से सन की फ्लेयर्स अर्थ के अंदर गई और पूरी अर्थ एक्सप्लोड हुई। उस समय की टाइमलाइन में, उस समय की कॉन्शियसनेस में यही रियलिटी की संभावना थी जो उनको दिखाई गई। लेकिन अब इस रियलिटी में अगर ऐसा होगा तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी कॉन्शियसनेस इस रियलिटी को एक्सपीरियंस करेगी इंडिविजुअली, तो हम अपनी कॉन्शियसनेस को तैयार कर सकते हैं। और इसको जब हम और, अभी 2023 है, हमारे पास और समय है, जब हम और अपनी इस रियलिटी को अपने हाथ में लेंगे तो हम इस इवेंट को मैनिपुलेट गलत शब्द है, हम इस इवेंट को हार्मोनाइज कर सकते हैं मानवता के लिए। ये हमारी ड्यूटी और हमारा काम है और हम इसको आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ हमें अपने आप को तैयार करना है। सेकंड है इस फ्री विल। फ्री विल को अधिकांश लोग नहीं पूरी तरीके से समझ पाए हैं। फ्री विल को लोग ये मानते हैं कि हाँ, इतनी अच्छी बातें हो रही हैं, इतना अच्छा भविष्य है, और अगर हम अनंत ब्रह्मांड में ट्रेवल करेंगे, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी, तो हमने फ्री विल एक्सरसाइज कर ली है। आपका थॉट प्रोसेस अगर अभी भी अहंकार बेस्ड, सेपरेशन बेस्ड, दूसरों को से कंपेयर करके अपने आप को सुखी मानना कि वो गरीब है उससे ज़्यादा मेरे पास है, ये सेपरेशन बेस्ड मेंटेलिटी में है, तो आप अभी भी थर्ड डायमेंशन की रियलिटी, आपकी एनर्जीज उसी रियलिटी की ओर आकर्षित हो रही है। उस जो आपकी जिस ओर आपका आकर्षण है उस तरफ अपने आप खींचते चले जाएंगे, इंटेलेक्चुअल आप कुछ भी मानते रहें। तो फिफ्थ डायमेंशन बेस्ड कॉन्शियसनेस की सोच के लिए हमें अपने आप को काम करना है लगातार। और जो ये बात मैं कई बार कहता हूं लेकिन अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस ड्यूअलिटी में, महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच जो युद्ध है, इन दो सेनाओं के बीच में रहने का अभ्यास। अधिकांश लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान ये बैनर के, भगवान के झंडे के नीचे अगर जिन्होंने युद्ध किया, ईश्वर की तरफ से युद्ध किया, वो अच्छे रास्ते पे हैं और वो मुक्त हो गए। आप सोचो, कौरवों की भी सेना थी 11 अक्षौणी, पांडवों की सेना थी 7 अक्षौणी, इन दोनों के बीच युद्ध हो रहा था। जो पांडवों की तरफ से जो सैनिक थे, जिनके हाथ कट गए, पांव कट गए, या युद्ध में डर गए, उनको परिवार की याद आई, मर गए, क्या हुआ उनका? क्या वो मुक्त हो गए? नहीं, एक युद्ध था, उस युद्ध के बाद री इनकार्नेट हो गए और जर्नी कंटिन्यू करती रही। युद्ध में अपने बीच में रहेगी, क्योंकि जो बाहर की ड्यूअलिटी का युद्ध है, जो बाहर प्रकट हो रहा है, वो अंदर का, हमारे अंदर का प्रोजेक्शन, बाहर होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है। इस होलोग्राफिक प्रोजेक्शन में जिसने अंदर का युद्ध जीत लिया वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल पे है। और ये युद्ध जो अभी प्रकट हुआ पिछले 3 सालों में, या सारा डार्क एजेंडा जो है, ये ह्यूमन के डर का कलेक्टिव प्रोजेक्शन है। लाइट आ रही है, सफाई कर रही है, पहली बार पानी की धार पड़ी, गंदगी पूरी उछल के आ रही, हमने पिछले 3 सालों में देखा ये किस हद तक हुआ। आने वाले समय में लाइट और तेजी से आती जाएंगी, जो सतह पे दबा हुआ है, चाहे वो जेनेटिक माइंड में हो, चाहे वो सबकॉन्शियस माइंड में हो, वो सरफेस पे आके रिलीज होगा। इस रिलीज होने के सिस्टम को हम एंड टाइम मैडनेस कहते हैं। जो कुछ हमारे अंदर है वो सतह पे
जब बहुत तेजी से आएगा, हमारे डर, हमारे अंदर की भावनाएं, वो कलेक्टिव भी प्रोजेक्ट करेंगी, और इस कलेक्टिव प्रोजेक्शन में हम कलेक्टिव का हिस्सा भी हैं, तो हम इसको एक्सपीरियंस करने के लिए मजबूर होंगे। इसलिए हमें अपने ऊपर, पहली बात तो हम इतने स्टेबल हों कि हमारे अंदर के काम आसानी से हो जाएं, दूसरा बाहर जो हो रहा है उसके बीच में हम बीच में रह सकें। तो इस युद्ध में हमें बीच में रहना ड्वेलिटी में बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसका हमें अभ्यास करने की आदत आनी चाहिए। तो और हमारे काम क्या हो सकते हैं, जो हमारा हार्ट है ये इसी तरीके से लॉजिकल माइंड बहुत एक्टिव हो गया, मस्कुलिन एनर्जीज बहुत हावी हो गई, और जो उसका हार्ट का हिस्सा है वो बहुत कमजोर है, प्रेम जो है मानवता अनुभव नहीं कर पा रही। जिनके भी हार्ट में प्रकाश है वो उनको अपने घर का रास्ता साफ दिखाई दे जाएगा। ये रूमी का कोट है और ये आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें अपने हार्ट को विकसित करना है, तो एनर्जेटिक जो हार्ट है वो नेक्स्ट चेतना के स्तर की बेस है। जो सेपरेशन बेस चेतना थी वो अब तक की थी, लड़ती है धर्म के नाम पे, स्त्री पुरुष परिवार में लड़ते हैं, पति पत्नी लड़ते हैं, माँ बाप में लड़ाई होती है, ये इस तरह की चेतना का हिस्सा था, क्योंकि यहाँ पे हार्ट कमजोर था। ये हार्ट अब मुक्त हो रहा है, तो हमें हार्ट के ऊपर अपने बहुत ज्यादा फोकस रखना है। हार्ट हमारा पोर्टल है, इस पोर्टल के थ्रू, इस प्रकाश के थ्रू हम नेक्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस करेंगे। तो हार्ट पे हमें अपना काम करना है। हमारी कॉन्शियसनेस में हमारे ऊपर लेयर एंड लेयर्स हैं, जेनेटिक भी और हमारे परिवार की भी और पर्सनल हमने जो एक्सपीरियंसेस किए उनकी लेयर्स हैं। जैसे एक पत्थर है, उस पत्थर के अंदर दिव्य मूर्ति है, लेकिन उस मूर्ति को उगाड़ने के लिए काम करना पड़ता है और उसके अंदर की मूर्ति प्रकट होती है। काम क्या है, जो हिस्सा यूजलेस है उसको हटाना। वो चोट पड़ती है, वो चोट कई बार दर्द करती है, क्योंकि हमें अपनी लेयर से प्यार है। ये लेयर को सिर्फ आप हटा सकते हैं और कोई भी नहीं हटा सकता। जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी ये लेयर आपके ऊपर जमी रहेंगी, और ये लेयर्स इतनी इंपॉर्टेंट हैं, इनको हटाना मेरी पूरे समय से, जब से मैंने बोलना शुरू किया है, सिर्फ एक ही बात पे जोर दिया है कि अपने अंदर की लेयर को हमें काम करना है। आप देखोगे स्पिरिचुअलिटी में हम कई जगह जाते हैं, हर एक जगह पे कुछ नई लेयर थोप दी जाती है, कुछ नहीं तो जो बोलने का तरीका है वो उनका नमस्ते ही हो जाएगी, हरिओम या लव एंड लाइट अफर्मेशन या कोई रेगुलर प्रैक्टिस ध्यान वगैरह करने की। इस चैनल में मैंने सबको कुछ भी चीज नई नहीं बताई, एक्सेप्ट कि अपनी लेयर्स को हटाएं, अपनी लेयर्स को हटाएं, कोई भी नई लेयर नहीं ओढ़नी है, अपनी जो लेयर पहले की बनाई है वो हटती जाएंगी, इसके अंदर का दिव्य जो है वो अपने आप प्रकट होता जाएगा। और ये लेयर को हटाना इतना कठिन काम है, अर्जुन के पहले चैप्टर में अगर हम देखें तो पितामह भीष्म, जिनको इच्छित मृत्यु का वरदान है, वो ये लेयर का प्रतीक है। इस ये लेयर मेरी है, मुझे समाज ने दी और मैं उसकी वजह से आज ऐसा हूँ, इन लेयर की वजह से ऐसा हूँ। अगर ये लेयर हट जाए तो इसके अंदर का जो दिव्यता है वो अपने आप प्रकट हो जाएगी, हायर सेल्फ से कनेक्शन अपने आप बन जाएगा। सिर्फ ये लेयर्स बाधा है। जो इस्लामिक परिवार में पैदा हुआ है उसके पास इस्लामिक लेयर है, जो क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ है उसकी क्रिश्चियन लेयर है, हिंदू अपने आप को सनातन धर्म वाले सर्वश्रेष्ठ मानते हैं लेकिन उनकी अपनी लेयर है, एंड सो ऑन। सबको अपनी लेयर्स पे काम करना है, सीरियसली काम करना है। मैप ऑफ कॉन्शियसनेस तो कई बार डिस्कस हो गया। इस जर्नी में थर्ड और फिफ्थ के बीच का जो आखिरी का जो ये समय है, इस कम समय में हमें अपने सारे कर्मों को खत्म करना है। हम अभी तक रिसाइकिल होते हैं, हम ऑलवेज कंटिन्यू होते हैं, मरने जैसी कोई चीज़ नहीं होती। भगवान ने भी बोला कि सिर्फ आत्मा वस्त्र चेंज करती है, और जिन लोगों ने डॉक्टर नेहरुला का इंटरव्यू सुना है उन्होंने ह्यूमन जो 1.0 एंड 2.0 बहुत, इससे पहले ह्यूमन जो था वो सूक्ष्म शरीर में था, इसके ऊपर जो ये बॉडी है ये वस्त्र है, और ये वस्त्र खाली चेंज करती है। तो डॉक्टर नेहरुला के इंटरव्यू को इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एग्जैक्टली सेम है, आल्दो कई लोग इसको
कई बार एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वेस्टर्न कंट्री से आया है, ये भी एक लेयर है, ये हमारा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। इस लेयर की वजह से बहुत सारे लोग इस अवेकनिंग को मिस कर जाएंगे। मेरे इस्लामिक जो दोस्त हैं, वो अगर कोई ये माने कि मैं सिर्फ इस किताब में जो लिखा है ये किताब ही परम सत्य है, किताब तो 1500 साल पुरानी की है, बाइबल 2000 साल पुरानी है, बुद्ध की टीचिंग 2500 साल पुरानी है, वेद उससे भी पुराने हैं। हर चीज का एक समय है। अगर 1500 साल पहले बता दिया होता तो कौन समझ कि 1500 साल बाद ये घटना होगी। महावतार बाबा जी ने 1800 में बोला कि जब तक धरती पे ये परिवर्तन का समय खत्म नहीं होगा, जब तक ये परिवर्तन नहीं हो जाएगा, मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने एक संकल्प लिया, वो शरीर में फिजिकल बॉडी नहीं छोड़ेंगे। 1800 में भी कौन समझ पाता कि ये होने वाला है, राइट? श्री युक्तेश्वर जी ने उस बताया कि हम कलयुग में नहीं है जैसा माना जाता है। उन्होंने कहा था कि हम द्वापर युग में हैं, साइकिल नुल जीरो लेवल पे पहुंच चुकी है कलयुग के बाद, कलयुग भी खत्म हो चुका है, हम द्वापर युग में हैं और हम असेंशन के पाथ में। आप सोचो 1800 में जब लाइट नहीं थी, लोग लालटेन वगैरह में पढ़ते होंगे, उस समय उन्होंने किताब लिख के ये बताया था कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी कैसी होगी, और वो टेक्नोलॉजी को हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, मनीषी लोग देख सकते थे। लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जो बात जिस समय पे अप्रोप्रिएट लोग समझ सकते हैं, जिस समय की कॉन्शियसनेस उसको समझ सकती है, उस समय वो इंफॉर्मेशन रिलीज होती है, डिवाइन प्लान बहुत परफेक्ट अनफोल्ड होता है। तो अगर आप ये मानते हैं कि हम सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब या अपने धार्मिक रेफरेंसेस में अगर नहीं लिखा तो हम इसको कैसे माने, तो आप इसको मिस कर जाएंगे। आपको महसूस करना पड़ेगा अपने हार्ट की एनर्जी से। इसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत हमें रिसाइकिल करता रहता है। हम इस कर्म के सिद्धांत से आने वाले 3 सालों में हमें मुक्त अंडरस्टैंडिंग से। अंडरस्टैंडिंग कैसी? कर्म एक जो हमारी इच्छाएं हैं उनको पूरी करने के लिए गॉड कहता है तथास्तु तथास्तु, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। द्रौपदी ने पूछा भगवान से कि मेरे 5 पति क्यों हैं, मुझे लोग समाज में इस तरीके से बार बार ताने मारते हैं, मेरे 5 पति क्यों हैं। उन्होंने कहा पिछले जीवन में तुमने बहुत तपस्या की थी और तुमने वर मांगा कि मेरा पति दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, दुनिया का सबसे ताकतवर हो, दुनिया में शास्त्रों का सबसे बड़ा ज्ञाता हो, सुंदर हो, बुद्धिमान हो। एक इंसान में ये सारी बातें नहीं हो सकती थी, इम्पॉसिबल। तुमने मानी, ईश्वर ने कहा तथास्तु, आज तुम्हारे पास दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर एंड सो ऑन, 5, इसलिए तुम्हें 5 पति मिले। लाहिड़ी महाशय ने जब दीक्षा ली तो उनको महातर बाबा जी से दीक्षा मिली, और दीक्षा के बाद उन्होंने ट्रांस में अनुभव किया कि वो उनका महल सोने का है। बाद में ट्रांस से बाहर आए तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर की ये इच्छा थी कि मैं एक बार सोने का महल हो, मैं राजा बनूं। रावण को शायद देख के उनको भी मोटिवेशन हुआ होगा, तो वो इच्छा तुम्हें रिसाइकिल होने का कारण थी। तुमने वो एक्सपीरियंस कर लिया, वो इच्छा खत्म हो गई। हमें अपनी इच्छाओं को अंडरस्टैंडिंग से और या नॉलेज से, दोनों तरीके हैं। अगर हमारी जर्नी अवेकन की ओर चलेगी, कुंडलनी अवेक होगी, तो नॉलेज के बाद इस नॉलेज से सारे जो बीज हैं, जो मेमोरीज के बीज हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनमें फल देने की क्षमता खत्म हो जाएगी। सेकंड, जो आने वाले समय में हमारे ड्रीम है उसमें हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कर पाएंगे, दे विल बी सो रियल एज इफ वी हैव एक्सपीरियंस। हमें सपने में जो हमारी इच्छाएं हैं वो इतनी रियलिटी से हम एक्सपीरियंस करने की क्षमता प्रकट हो जाएगी कि हम उसको एक्सपीरियंस कर लें और उससे मुक्त हो जाए। ये आने वाले समय में होगा, अगर आप इंटेंशन डाल के उससे अपने आप को ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा काम है इस रिसाइकिल होने से बचना। जो हमारे थॉट मैनिफेस्टेशन है, अगर उन थॉट मैनिफेस्टेशन में हमारी प्रीवियस जो मेमोरीज के हिस्से हैं वो हिस्से हमें मोटिवेट करेंगे तो हम पथ भ्रष्ट हो सकते हैं। असेंशन का प्रोसेस एक्सिलरेट होता है, जाएगा स्टेप बाय स्टेप। पिछले समय से अभी एक्सिलरेट हो चुका है, आने वाले समय में इससे ज़्यादा फास्ट होगा, और अंतली पेल्टी इतना फास्ट है कि हमें लेफ्ट और राइट देखने का हमें नहीं है। जैसे हम एक पतले से पुल पे डायरेक्ट पुल के उस पार जा रहे हैं, बहुत फास्ट स्पीड से। लेफ्ट और राइट में देखा तो स्टीयरिंग हिल सकती है और हम गिर सकते हैं, और उस केस में
हमारी पुरानी टेंडेंसीज हमें ना गिरा पाए। इस हद तक की अंडरस्टैंडिंग हमें सबको अपने अंदर विकसित करनी है, और ये आसानी से हो सकती है क्योंकि हम अपने बहुत सारी बातें हम ड्रीम पे लेवल में एक्सपीरियंस करेंगे। रिलीजन के ऊपर कितना भी बोला जाए, आपकी जेनेटिक माइंड में और सब कॉन्शियस माइंड में इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसको निकालने के लिए आपको ही काम करना पड़ेगा। फिर भी जो रिलीजन है ये बंधन है, इस नेक्स्ट चेतना के लिए बहुत बाधा है, और इतने 26,000 साल में ये नहीं हो पाया, उसको उसकी ये प्लानिंग का ये हिस्सा है, उसके मैनिपुलेशन का हिस्सा है, और ये हिस्से को आप ही तोड़ पाएंगे। एक जरा सी एग्जाम्पल से, महात्मा बुद्ध ने कहा कि ईश्वर मंदिर में नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, महात्मा बुद्ध ने कहा है, ज्ञानी है, बुद्धि प्राप्त हो गई, तो उन्होंने महात्मा बुद्ध के जाने के बाद महात्मा बुद्ध के मंदिर बना दिए। क्यों? कि वर्शिप और सर्वाइवल मोड में नीचे झुक के रहने का जीन, हमारे जीन का मैनिपुलेशन है, हमारी डीएनए की प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। तो अल्टीमेटली उन्होंने वही किया जो जिसको महात्मा बुद्ध मना करते थे, लेकिन वो समझ नहीं पाए। ये हम सबको अपनी लेयर्स को हटाने के लिए, रिलीजन की लेयर को हटाने के लिए, डॉक्टर नेहरुदा के इंटरव्यू की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि रिलीजन मैनिपुलेशन का हिस्सा है, धर्मों को लड़ाने के लिए, लोगों को लड़ाने के लिए, ताकि वो उलझे रहें। और आस्तिक जो धर्म पे विश्वास करते हैं, और नास्तिक जो किसी धर्म पे विश्वास नहीं करते, वो नास्तिक भी इसी का हिस्सा है, कम से कम वो भी इसी लड़ाई को बहस करके अपने आप को सच साबित करने के लिए इसमें उलझे रहते हैं। लॉ ऑफ वन में रा ने बताया, उनसे पूछा गया कि जब आप इतना बताते हो कि असेंशन होगा और आने वाले समय के चैलेंजेस हैं, तो आप हमारी हेल्प क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि हम धरती पे 3 बार फिजिकल फॉर्म में हेल्प करने के लिए आए, 3 बार आप में से किसी ने हमारी टीचिंग नहीं समझी, और 3 बड़े बड़े रिलीजन बना दिए। कौन से मुझे नहीं पता, लेकिन 3 बड़े रिलीजन उनकी टीचिंग पे बेस्ड हैं, जबकि बताने के लिए वो खुद धरती पे अवतरित हुए थे। उनके अवतरण होने के नाम हमें नहीं पता, लेकिन टीचिंग उनके जाने के बाद धन बन गया और उनकी टीचिंग नहीं बनी। और लॉ ऑफ वन में राह से जब भी पूछा जाता है, तो सबसे ज़्यादा वो ये एक बाधा कहते हैं कि आप जो हाथ जोड़ के हमारी ओर देखते रहते हो, इसकी वजह से हम आपकी हेल्प नहीं कर पाते। हम जब उनसे बराबर के लेवल पे, उनसे ज्ञान, उनसे हमारी कॉन्शियसनेस का इवॉल्व हो, हम आपके साथ आ सकें गैलेक्टिक लेवल पे इवेंट में, ये थॉट हमारा इस समय की रिक्वायरमेंट है। हम इस थॉट से अपने असेंशन की जर्नी में जाएंगे, ना कि हाथ जोड़ के कल की अवतार का इंतजार करने में, या 13वें नबी के, सेकंड कमिंग ऑफ क्रिस्टस, या बुद्ध के मैत्रेय अवतार का इंतजार करने में। असंभव है, ये हमारी जर्नी को बैक में डाल देगा, उस रास्ते में डाल देगा जो हम नहीं चाहते और जिसको ये इम्प्लीमेंट करना चाहती है डाक। टेरेट के इस कार्ड के बारे में कई बार बोल चुका हूँ, धरती के लिए जो कुछ भी सीधा है वो एक स्टेज के बाद उल्टा हो जाता है, वो पैराडॉक्स हो जाता है। ये जो उल्टा है ये मेंटेन रहता है, क्योंकि जेनेटिक माइंड का हिस्सा है। ये पहली बार यहाँ से अभी तक किसी एक ने लाखों करोड़ों में इस उल्टे को समझा और वो मुक्त हुआ। अब ये कलेक्टिव इवेंट हो रहा है, इसमें धरती के सब लोग इस पैराडॉक्स में को समझ पाएंगे। फर्स्ट लेवल पे कम लोग वो ब्रिज बनाएंगे, उस ब्रिज के थ्रू बाकी लोग आ पाएंगे, और अल्टीमेटली पूरी अर्थ असेंट होने का पोटेंशियल है अनलेस वो इसको नहीं स्टॉप करेंगे। तो इस उल्टेपन को समझने के लिए हमें अपनी चेतना को विकसित करना पड़ेगा, और चेतना के इस स्तर की एनर्जी लव के बात की है। 500 वी हैव टू हैव दैट लेवल ऑफ 500 कॉन्शियसनेस, और वो कॉन्शियसनेस का लेवल काफ़ी हाई है। इस लेवल पे लिए हमें काम करना है, 500 के लेवल के ऊपर की जो एनर्जीज हैं, इन दैट एनर्जी वी सी द पैराडॉक्स वेरी क्लियरली। बाकी लोग पैराडॉक्स देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? आसान है, देख सकते होंगे, लेकिन देख नहीं पाते क्योंकि इतनी क्लैरिटी नहीं हो पाती। हार्ट जो है, हार्ट पोर्टल है, और ये पोर्टल बंद है। ये पोर्टल ओपन होने के लिए
लव की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं, एनर्जेटिक हार्ट के विंग मेकर की टीचिंग्स हैं, और अपने हार्ट पे काम करना, सेपरेशन से हट के वननेस की ओर। आज मदर डे भी है, हमारी धरती माता जो है कष्ट में है, ह्यूमन के लालच से, ह्यूमन के कॉरपोरेट स्ट्रक्चर की वजह से उसके अंदर उसका एक्सप्लॉयट होना, अर्थ के अंदर जाके न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोड करना, उसके चिथड़े ओढ़ना। हम आज सब लोग अपनी मदर अर्थ को, जो अर्थ की ऊपर की लेयर है उसमें हैवी मेटल्स की इतनी ज़्यादा लेयर है कि अगर हम कंप्लीट ऑर्गेनिक फूड भी प्रोड्यूस करें तो उसके अंदर एल्यूमिनियम कंटेंट आ जाते हैं। हवा के ऊपर आप देख रहे हो कि वो कैमट्रेल से एल्यूमिनियम की लेयर्स स्प्रेड करते हैं, कर रहे हैं, तो वातावरण में है। हाँ, और हमारी मदर अर्थ एक ही है। जो मदर अर्थ का कैंसर है वो ह्यूमन के अंदर प्रकट होता है। जो ह्यूमन का जो टेररिस्ट है और जो म्यूटेशन होता है इस तरह के ग्रुपों का, वो अर्थ के अंदर उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो आज मदर अर्थ को, अपनी मदर का डे है, इस दिन हम अपनी मदर अर्थ को याद करते हुए, अर्थ हमारी मदर है, इसमें क्या दिक्कत है। मुझे आश्चर्य होता है कि कुछ लोग वंदे मातरम कहने में उनको लगता है कि उनका धर्म कमजोर हो गया। इतना कमजोर धर्म के मेंबर होने का क्या फायदा। जिस जगह से पैदा हुए, अभी तक तो हम धरती पे अर्थ में ही पैदा होते हैं, और उसके बाद हमारी जो राख है या धरती में जमीन में गाड़ देते हैं, दोनों केस में मदर की गोद में ही दोबारा जाते हैं। पूरा जीवन देती है, खाना पीना सारा नरिशमेंट होता है इस मदर को। इस मदर की ये हालत हमारे लालच ने की है, ह्यूमैनिटी ने, कलेक्टिव ने। तो हम इस कलेक्टिव आज के दिन सब लोग बाद में सेशन के बाद अपनी मदर की कोर में जाके उसके प्रति अपना आभार, रिस्पेक्ट और उसको हीलिंग, और हमारा अगर डेली रूटीन में हम अपनी मदर को, अर्थ को याद कर सकें, मदर अर्थ असेंड हो रही है, इसके अंदर ऊपर की सारी लेयर जो है हार्मोनाइज हो रही है, यहाँ का पानी, पेड़ पौधे, पानी हीलिंग है, अपने आप में पानी सफिशिएंट हो जाएगा आने वाले समय में आफ्टर असेंशन। हवा प्योर हो रही है, पूरी मदर अर्थ जो है हील हो रही है। हम इस भाव से आज भी और डेली कर सकते हैं। जो हमारी जर्नी का जो एक और हिस्सा है, असली ईश्वर को पहचानना क्यों, और फिर उसके बाद जानना, जब असली को जान जाएंगे, सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन दोनों एक ही शब्द हैं। कुछ लोग सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, कुछ गॉड रियलाइजेशन कहते हैं। रूमी ने कहा, मैंने अपनी खोज की और ईश्वर को पाया, मैंने ईश्वर की खोज की तो अपने को पाया। ये पैराडॉक्स क्लियर हो जाएगा जब हम ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, मजारों और पीर गाहों में, गुरुद्वारे में, चर्चों में ढूंढना छोड़ देंगे। अपने अंदर की जब खोज करेंगे तो हमें असली ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। अधिकांश लोग भगवान की खोज करते हैं। भगवान और ईश्वर का अंतर शायद पता होगा। जो धरती पे प्रकट हुआ, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर या वॉट एवर जो भी हैं, उनको हम ईश्वर राम नहीं कहते, ईश्वर कृष्ण नहीं कहते, भगवान कहते हैं। जो धरती पे प्रकट हुए, उन्होंने ज्ञान दिया या वट एवर, उनके लेजेंड बने, उनकी कहानियां बनी, ये भगवान है। और हमें ईश्वर की खोज करनी है, इनके बियॉन्ड। पिक्चर से कई बार समझ में आता है। रिसेंटली एक पिक्चर टीके आई थी, उसमें उसपे कई कॉन्सेप्ट बहुत टचिंग हैं और बहुत बड़े सत्य को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो किसी और डायमेंशन से अर्थ पे आया था। ये स्टार सीड होने का एक लक्षण है, या बहुत फ्यूचर से जो डेवलप्ड, दोनों तरह के डार्क और अच्छे, उस डायमेंशन से अर्थ पे आया। अर्थ में आया तो वो नेकेड था, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कोई लेयर नहीं थी। सारी लेयर हमने अर्थ के बीइंग ने अपने ऊपर चढ़ाई हुई है, वो नेकेड था। और उसके बाद उसने भगवान की खोज की। तो भगवान की खोज करने के जितने अर्थ पे पॉपुलर ट्रेडिशन थे
इस फिल्म में दिखाए, और उसके बाद भी वो निराश हुआ, उसको नहीं मिले, और आखिरी में उसको असली ईश्वर समझ में आया। ये हमारी जर्नी का हिस्सा है। हमारी जर्नी भी ऐसे ही है, शुरू में कंफ्यूजन, रॉन्ग पाथ, रॉन्ग गुरु, एंड देन फाइनली हम अपने गोल की ओर पहुंचते हैं। लेकिन हमारे ग्रुप में जो लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं और कुछ समय से जुड़े हैं, वो कम से कम इस डॉगमा से उठ रहे हैं। ये उनकी जर्नी का हिस्सा है, इस अंडरस्टैंडिंग से वो असली ईश्वर की खोज कर रहे हैं, और असली इनकी असली खोज इनको असली जगह पहुंचा देगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जो टीके है, ये इसी के साथ स्टार सीड का जो कॉन्सेप्ट है, जो लोग जिन्होंने देखा कि अर्थ पे फ्री विल है और इस फ्री विल की वजह से को इतना मैनिपुलेट किया हुआ है कि ये कभी अपनी मुक्ति का रास्ता नहीं देख पाएंगे, बाहर से इनको हेल्प नहीं की जा सकती, क्योंकि गैलेक्टिक नियम है कि जब तक फ्री विल है हम उसको नहीं हेल्प कर सकते। और ये तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि कभी कल की आएंगे, तो ये तो हमेशा ही फ्यूचर रहेगा। 500 साल पहले भी उन्होंने कहा कल की आएंगे, आज की जनरेशन कह रही है कल की आएंगे, और 5000 साल बाद भी कहेगी कल की आएंगे तो मुक्ति होगी, तो ये कभी मुक्त नहीं होंगे, क्या करें। तो अर्थ पे कुछ लोगों ने इनकार्नेट हुए स्टार सीड बन के। ये जर्नी भी आप देखो तो स्टार सीड्स की जर्नी है, पीके की जर्नी। इस जर्नी में वो एक सीन में कहता है, हमारे यहाँ झूठ नहीं होता, क्यों, दिखावा नहीं, कोई लेयर नहीं, टेलीपैथी है, हम झूठ नहीं बोलते। अर्थ पे बनावटी है, दिखावा है, झूठ है, और जो इस पाथ पे हैं, जो फर्स्ट फेस में चाहते हैं असेंशन होना, उनको सच का अभ्यास करना है, एब्सोल्यूट, क्योंकि जो नकली है वो तो मैनिपुलेशन है, जो असली है वही सच है, और उस सच की ओर हमारी जर्नी है। तो उसके लिए अभ्यास, दिखावे से बचना, बीच में रहना, किसी चीज़ का प्रतिरोध नहीं करना, किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं करना, क्यों, कि अनेक तरह के लोग हैं, अगर वो रेजोनेट नहीं कर पा रहे इस एनर्जी से और हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं तो हमारी एनर्जीज इन्वॉल्व रहती हैं। विद दैट अंडरस्टैंडिंग हमें जस्टिफाई नहीं करना, अपनी जर्नी को पास करना है। हम छोटे से मेडिटेशन के साथ इस टॉपिक को यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, बाकी आपके क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। सभी लोग आंखें बंद करें, घुटने एक दूसरे से जुड़े हुए ना हो तो अच्छा है बैठने की स्टेट में, जीभ को मोड़ के तालू से लगा लें, कमर सीधी। हमारा हार्ट पोर्टल है, आप लोग जागरूक होके सांसें लेते रहें, सांस नाक के किस हिस्से पे टच करती है, लंग्स एक्सपेंड होते हैं, किसी भी तरीके से अपनी अवेयरनेस सांस के साथ मैं बोल रहा हूँ, हमारा हार्ट पोर्टल है, हमारा हार्ट भविष्य के ह्यूमैनिटी का आधार है, हमारे हार्ट में प्रकाश है, हार्ट में एक गुप्त चैम्बर है, समटाइम्स उसको फिफ्थ चैम्बर भी कहते हैं, इसके बारे में डॉक्टर जानते हैं, ऑपरेट करते वक्त उस जगह उसको टच नहीं किया जाता, नहीं तो इमीडिएटली डेथ हो जाती है। वो हमारा गुप्त चैम्बर है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर प्रेम करने की क्षमता है, किसी भी परिस्थितियों में अगर जब वो क्षमता प्रकट हो गई, सेंट्रल सन का प्रकाश उसको प्रकाशित कर रहा है, वो प्रकट हो रही है। अपने गहरे में जाए, अपने अंदर, अपने हार्ट में। हार्ट में एंटर करने की बहुत आसानी सी मंत्र है, अपने आप को पूर्ण एक्सेप्टेंस, ईश्वर की संतान, आई लव मी, मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ। हार्ट खुलता है, कंप्लीट इसका जो प्रकाश है, ये सहने की सामर्थ्य बहुत सारे लोगों पे नहीं होती। पहली बार जब ये प्रकाश प्रकट होता है, ये प्रकाश प्रकट हो रहा है अपने हार्ट में, जैसे जंगल की ग्रीनरी का कलर, कंप्लीट ग्रीन कलर का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। इस प्रकाश के प्रति सजग
ग्रीनरी के प्रति सजग, धीरे धीरे उठते हुए आज्ञा चक्र पे, आज्ञा चक्र प्रकाशित है, हार्ट और आज्ञा चक्र दोनों मिलके हारमोनी के साथ हम अपने भविष्य को देख सकते हैं, सही रास्ता चुन सकते हैं। सेपरेशन से वननेस की कॉन्शियसनेस में ये जो कंप्लीट ग्रीन कलर की एनर्जी आज्ञा चक्र में महसूस करते हुए आज से हम प्रेम के भाव से अपनी मदर अर्थ के प्रति, अर्थ पर रहने वाले सभी साथियों के प्रति, पूरी मानवता के प्रति जब हम आंखें खोलेंगे इस हार्ट की एनर्जी से हम दुनिया को देखेंगे। हमारा नया नजरिया नई टाइमलाइन को क्रिएट करेगा। इस पृथ्वी पे चल के पूरी मानवता नेक्स्ट चेतना के स्तर पे जाएगी। आज से और अभी से हमारी इंटेंशन हमारे हार्ट को पूर्ण उसके पोटेंशियल को विकसित करने के लिए एक्टिव है। संकल्प के साथ हम अपनी एनर्जीज को धीरे धीरे नीचे मूलाधार चक्र में, मूलाधार चक्र के पार पांव के तलवों के नीचे चक्रों के प्रति सजग और धरती के कोर में मदर अर्थ से कनेक्शन, मदर अर्थ के प्रति हमारा प्रेम आदर ग्रेटिट्यूड। इतने सालों सदियों से इसने हमारा पालन पोषण किया। हम और मदर अर्थ एक ही है। हमारी हीलिंग मदर अर्थ की हीलिंग, मदर अर्थ की कंप्लीट हीलिंग, मदर अर्थ की कोर को टच करके धीरे धीरे वापस पैर के तलवों के नीचे चक्र में, मूलाधार चक्र में, हार्ट चक्र में, धीरे धीरे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से आप आंखें खोल सकते हैं।